अब मुलाकात की जाए सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टॉपिक्स। जी ब्रजेश, सॉरी सेठी साहब, हमने पिछले 10-15 मिनट से ब्रजेश से बात कर रहे थे, माफी आदत पड़ गई, आदत पड़ गई ब्रजेश की सुनने की। आप भी कुछ सुनाएंगे सर? बिल्कुल अनिल जी, गुड आफ्टरनून। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु जी, अनिल जी दो स्टॉक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह बताएं सर। पहला अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है वेसुवियस इंडिया, जो अभी स्टॉक चल रहा है 1596 के लेवल्स पे। पहले टारगेट स्टॉपलॉस देता हूँ, टारगेट रहेगा इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 1640 का, स्टॉपलॉस रखना है 1570 रुपए का। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, एक एमएनसी कंपनी है, यूके बेस्ड, वेसुवियस ग्रुप इसमें अराउंड 55% स्टेक ओन करता है। कंपनी बनाती है रेफ्रेक्टरी गुड्स, एक ग्लोबल लीडर है इस सेगमेंट में, और ये प्रोडक्ट्स यूज होते हैं फाउंड्रीज, फिर आपके आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पावर जनरेशन, ग्लास और सोलर इंडस्ट्रीज में। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, दिसंबर तिमाही बहुत ही दमदार थी, 27 करोड़ का पैट था इस दिसंबर में, जो पिछले साल 13 करोड़ का पैट था। एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छे बाकी रिटर्न रेशियोज है, और अनिल जी इसमें FIIs DIIs भी अराउंड 24% हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें HDFC है, निपोन है, एक्सिस है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अपने इसके हाईज थे 1860 रुपए के आसपास के, वहां से करेक्ट रहा है अराउंड 1595-99 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, और शॉर्ट टर्म टारगेट है 1640 का, 1570 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 1570 के स्टॉप लॉस के साथ 1640 वेसुवियस इंडस्ट्रीज, ये है वो स्टॉक जहाँ खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब दूसरा शेयर भी बताएं सर। और अनिल जी आज का दूसरा स्टॉक एक एनबीएफसी स्टॉक है मेरा पसंदीदा, पूनावाला फिनकॉर्प, जो अभी 281 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। शॉर्ट टर्म टारगेट है इसका 295, स्टॉप लॉस 270। एक ये भी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एनबीएफसी है, विद इन द एनबीएफसी स्पेस वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी वाली कंपनी है। कंपनी का मेन फोकस रिटेल पे फोकस है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग है, प्री ओन्ड कार्स, फिर बिजनेस लोन्स देती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज वगैरह, फिर इवन प्रोफेशनल्स को भी लोन देती है। और इसका जो मैनेजमेंट चेंज होने के बाद, मतलब पहले ये मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानी जाती थी, उसके बाद जब आदर पूनावाला जी ने इसको टेक ओवर किया, उसके बाद से फंडामेंटल्स में बहुत ही जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। जो इनके ग्रोस एनपीएज है वो 5-6% हुआ करते थे, वहां से घटके 1.52% थे लास्ट क्वार्टर। फिर नेट एनपीएज हैव कम डाउन फ्रॉम 4% टू 0.83%। एक जबरदस्त पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस है, 110 ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया, और बाकी डिजिटल फोकस है कंपनी का, अच्छे तिमाही नतीजे रहते हैं, अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है, और केयर ने भी इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया, जिसके कारण इनके जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो और कम हो जाएंगे। FIIs DIIs भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रखते हैं, जिसमें निपोन है, अमानसा होल्डिंग्स है, बैंक मस्कट है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी एक थोड़ा करेक्ट हुआ है हाल ही के दिनों में, मुझे लगता है यहाँ से अच्छा करना चाहिए। 295 के शॉर्ट टर्म टारगेट है और 270 का स्टॉप लॉस रखना। ओके, ये है आपके लिए पूनावाला फिनकॉर्प। थोड़े समय बाद इस पर वापस रिकमेंडेशन आना शुरू हो गई है, और वेसुवियस 1640 का टारगेट उस पर लगाना है। बहुत बहुत शुक्रिया सरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए।